गोरखपुर फायर विभाग द्वारा 14 अप्रैल को मुंबई शिपयार्ड में भीषण अग्निकांड में शहीद हुए 66 फायर विभाग के अमर शहीदों को नमन करते हुए गोलघर फायर स्टेशन पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने फायर स्टेशन जागरूकता वाहन को रवाना किया, जो कि महानगर में भ्रमणशील रहकर लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक कर रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि सुबह 66 पुलिस कर्मियों की याद में स्मृति परेड हुआ और उनको श्रद्धांजलि दी गई। यहां से रैली निकाली गई क्योंकि आज के दिन से अग्निशमन सप्ताह का शुभारंभ होता है। यह रैली लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक करेगी। उन्होंने कहा, 14 अप्रैल को मुंबई शिपयार्ड में 1944 में एक मालवाहक जहाज में आग लग गई थी, जिसमें अग्निशमन के 66 कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हो गए। तब से आज के दिन एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होता है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा, देखिए आज जो है स्मृति परेड हुई सुबह 8 बजे और अभी जो है रैली जो है निकाली जाएगी। 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक हमारे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। जैसे 15 को जो है जनपदीय मुख्यालय पर जो है कार्यक्रम रखा गया है, इसी तरह से 16 से 19 के बीच में जो है हमें प्रचार प्रसार करना है। 20 तारीख को जो है मेरा उसका जो है ग्रामीण अंचलों में प्रचार प्रसार होगा। इसके विषय में मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि 1944 में 14 अप्रैल को बॉम्बे शिपयार्ड पर जो है एक मालवाहक जहाज पे जो है कुछ केमिकल्स पदार्थ उसमें थे, जिसकी वजह से उसमें आग लगी और आग लगने के कारण जो है कार्रवाई करते समय मेरे फायर सर्विस के 66 जवान जो है शहीद हो गए थे, जिनके स्मृति दिवस के रूप में जो है ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि गर्मी का सीजन चल रहा है, यदि छोटी छोटी सावधानियों पर अगर हम ध्यान दें तो अग्नि दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, जन एवं धन को जो है बचाया जा सकता है।